डेविड धवन ने चुना टाइगर को, कौन सी कॉमेडियन कलाकार को लिया जाएगा फिल्म में, कहां होगी फिल्म की शूटिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी होस्ट और दोस्त सुशीन आपका स्वागत करती हूं आपके ही पसंदीदा चैनल बॉय क्रैश स्टूडियोज में। हीरोपंती करेगा, क्या करूं यार, सबको आती नहीं मेरी जाती नहीं, इस डायलॉग को बोलने वाले को आज हर कोई जानता है। एक वक्त था जब उनके बारे में कहा जाता था कि वो एक लड़की के जैसे दिखते हैं, और आज वो ना जाने कितने यंगस्टर्स की फिटनेस के इंस्पिरेशन हैं, और उनकी बॉडी और एक्शन हमें टॉम क्रूज, लियोनार्डो डिकैप्रियो की याद दिलाता है, और लगता है शायद उनकी इसी स्किल और बढ़ती डिमांड की वजह से ही फेमस डायरेक्टर डेविड धवन ने अपनी फिल्म जुड़वा 3 के लिए उन्हें कास्ट किया है। हमने जुड़वा 2 में डेविड के बेटे वरुण धवन को देखा था और सबको यही लगा था अगर ये सीरीज आगे बढ़ाई जाती है तो फिर से वरुण ही नजर आएंगे, लेकिन लगता है डेविड ने इस सीरीज की हर फिल्म के लिए अलग अलग एक्टर को कास्ट करने का सोचा है। इसलिए तो जुड़वा में सलमान दिखे थे, जुड़वा 2 में वरुण और जुड़वा 3 में टाइगर नजर आने वाले हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि टाइगर इस फिल्म में हमें ट्रिपल रोल में नजर आने वाले हैं और हम पहली बार टाइगर की कॉमेडी और उनकी कॉमेडी टाइम देखने वाले हैं। साथ ही जुड़वा की दोनों फिल्में फुल ऑन कॉमेडी रही थी, जिसमें एक्टर एक्ट्रेसेस और सपोर्टिंग एक्टर्स सभी का कॉमेडी टाइमिंग एकदम परफेक्ट था। इस बार भी फिल्म में कॉमेडी का तड़का लगाने के लिए इंडस्ट्री के बेस्ट कॉमेडियन एक्टर्स को लिया जा सकता है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है राजपाल यादव का, जो इस सीरीज की दोनों फिल्मों में हमें खूब हंसा चुके हैं, और उसके साथ ही अनुपम खेर भी दोनों ही फिल्मों का हिस्सा थे, तो अब उन्हें जुड़वा 3 में भी लिया जा सकता है। साथ ही हमें जुड़वा 2 में जॉनी लीवर भी नजर आए थे, और आजकल हर कॉमेडी फिल्म संजय मिश्रा के बगैर अधूरी है, इसलिए उनकी डिमांड को देखते हुए इस फिल्म में लिया जा सकता है। ये सभी कॉमेडियंस हमें फिल्म में बिल्कुल भी बोर नहीं होने देंगे। साथ ही अगर हम फिल्म की शूटिंग लोकेशंस की बात करें तो जुड़वा 2 नेशनली और इंटरनेशनली शूट की गई थी, और फिल्म का ज़्यादातर पोर्शन लंदन और मॉरिशस में शूट किया गया था, और साथ ही कुछ हिस्सा मुंबई में शूट हुआ था। इसलिए इस बार भी हमें लंदन का वही कॉलेज दिखाया जा सकता है, और फिल्म के गानों की शूटिंग के लिए मॉरिशस, मॉस्को, स्वीडन या केप टाउन जैसी लोकेशंस को शूट किया जा सकता है, और इंडिया के मुंबई, दिल्ली या हैदराबाद में से कोई एक सिटी नज़र आ सकती है। आप जुड़वा 3 के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, और उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही कुछ बॉलीवुड की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।